सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल गया था, इसलिए आपको बात मैं ऐड कर रहा हूँ। कोई दवाई ववाई के चक्कर मत पड़ना। बाकी क्या खाना है, कैसे करना है, वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लो, मैं तुम्हें पर्सनली बता दूंगा कैसे जाना है। ज़्यादा खाना मत खाना, सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश होना ताकि पेट में बहुत ज़्यादा खाना ना रहे, नहीं तो फिर तब भी नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है। बाकी आगे वीडियो को देखो, उसमें सारा कुछ बताया है। कोई स्पेशल तुमको चाहिए हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लो, मैं तुम्हें वहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत बधाई जिनका भी सिलेक्शन हुआ SSC GD में कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, और बहुत सारी खुशियां आपको मिले, और ऐसे ही परिवार को खुश रखिए। बस अगला जो हर्डल है आपका फिजिकल, उसके लिए बात करेंगे, लेकिन तब तक जिनका नहीं हुआ उनको बता दे कि भाई परेशान नहीं होना है, GD की वैकेंसी फिर से आने वाली है, और भी बहुत सारी वैकेंसी जैसे HSL CGL, आप सबके लिए ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं इस साल आप सब लोग निकल जाएंगे। तो ये जिस चीज़ के लिए वीडियो है वो है मेरे फिजिकल के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, कि हाँ जब मेरा भी फिजिकल आया था, स्पेशली मेरा फिजिकल GD के लिए नहीं था, बट मेरा फिजिकल CPO के लिए था। उस साल मेरा CPO में AIR 300 आया था, ऑल इंडिया रैंक 300 था, और मुझे BSF पोस्ट मिली थी। तो उसका जब फिजिकल आया था तो मैंने तैयारी कैसे की थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिन था उसके लिए, और मुझे लगता है कि आपके पास भी ज़्यादा दिन नहीं है, 15 तारीख के बाद से फिजिकल है, तो आप लोग का भी फिजिकल जल्दी ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे झेला उस चीज़ को। मैं घर चला गया था गाँव में, जहाँ जानते हैं आपकी जो बच्चे होते हैं गाँव के, आर्मी की दौड़ की तैयारी करते हैं या कहीं भी दौड़ निकलने की तैयारी करते हैं, मैं उनके साथ चला गया। तो मेरे पिताजी लेके गए मुझे। अब पिताजी करते क्या थे, पिताजी साइकिल के पीछे चलते थे, टाइमर लेके, डंडा लेके, ठीक है, और मैं आगे आगे दौड़ता था उनके साथ, बिल्कुल स्लो पेस में, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर मैं सुबह दौड़ता था, जो आपको बिल्कुल सेम करना जो मैं बता रहा हूँ, आपको टिप्स बताऊंगा उस चीज़ को ध्यान रखनी, ठीक है। सुबह 4 किलोमीटर में, 4 या 4.5 किलोमीटर में डेली दौड़ता था, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। मैं शुरू में दौड़ नहीं पाता था, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद दौड़ने लगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सुबह अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले जाइएगा, धूप नहीं होनी चाहिए, सुबह सुबह आपको 4 से 5 किलोमीटर बिल्कुल स्लो पेस में दौड़ना है, जितना भी धीरे दौड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी सांस बननी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका फेफड़ा जो लंग्स है वो जितना मजबूत हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 4 किलोमीटर सुबह और 4 किलोमीटर शाम आपको बिल्कुल स्लो पेस में दौड़ना है, कहीं रेस नहीं लगाना है, कहीं किसी से फर्स्ट नहीं आना है, बस अपने सांस को बनाना है। 10 दिन तक आप लगातार इस काम को करिएगा, पैरों में दर्द होगा, हर जगह दर्द होगा, घर में जाके मालिश करवा लेना पैर की। दौड़ना, दौड़ने के तुरंत बाद पानी मत पीना, ठीक है, और ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना, बस सुबह और शाम 4-4 किलोमीटर तुम डेली स्लो पेस में दौड़ो। उसके बाद रिजल्ट तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, रिजल्ट जो होता है वो एकदम इंस्टेंट पे, आपका क्या दिमाग का क्या चल रहा है उस हिसाब से डिपेंड करता है, जो मेरे साथ हुआ था मैं बताऊंगा। तो जब मैं पहुंचा वहां पे फिजिकल देने के लिए, जो समझ लीजिए कि 1600 मीटर का जो रेस होता है CPO के लिए, वो ज़्यादा टफ है GD के 4800 मीटर के रेस से, क्योंकि 1600 मीटर के रेस में आपको रेस मारनी होती है, 4800 वाले आप धीरे 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 जब आपकी बॉडी गर्म होगी तो आप रिदम में आ जाते हैं। जब मैं पहुंचा वहां पे, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जाते ही वहां पे पहुंच जाएंगे तो आपको तुरंत दौड़ा दिया जाएगा, हो सकता है वहां पे कोई और भी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे जब मैं पहुंचा था तो उस दिन शहीद दिवस था और उस दिन परेड चल रहा था, तो हमारा जो दौड़ हुआ था वो दोपहर में 12 बजे हुआ था। आपको दौड़ना है नंगे पैर या जूता पहन के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है दौड़िए, लेकिन जैसे आप दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर जूता पहन के, तो वहां भी आपको जूता पहन के ही दौड़ना है। अगर आप नंगे पैर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां भी आपको नंगे पैर ही दौड़ना है, ठीक है। आपके बैग में 1-2 चॉकलेट्स होने चाहिए और पानी का बॉटल होना चाहिए, स्पेशली रसना वसना भर लेना उसमें, या कुछ भी ग्लूकोज डाल लेना जिसका तुम सिप सिप पीते रहो, एक ही बार पानी की तरह नहीं पीना है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि जब 12 बजे के आसपास हमारी दौड़ हुई, तो 12 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन 12 बजे तक मैं छोटा छोटा चॉकलेट्स का एक एक ब्लॉक खाता था और 2 घूंट पानी, 1 घूंट पानी पी लेता था, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेशन बना रहे और अपने अंदर जोश भर के रखना है। वहां पे थोड़ा सा भी अगर तुम नॉर्मल हो गए या अपने जोश से नीचे हो गए, तुम्हारे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम दौड़ नहीं पाओगे। और बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल दिमाग को काम रखना, एक मूव रख लेना अपने पास स्प्रे वाला, दौड़ने से पहले पूरे पूरे पैर पे मार लेना, ताकि थोड़ा सा उससे नम हो जाता है पैर, तो अगर दर्द भी होगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। और सांस नहीं छोड़ना है हमेशा, जब तक हो सके तब तक आपको अपने नाक से सांस लेना है, और कोशिश करना है कि ध्यान ना भटके, सामने एक टारगेट बनाना कि हाँ इस टारगेट को देखते हुए मुझे दौड़ना है, और अपने सांस पे फोकस करना, जो सांस तुम अंदर जा रहा है और जो सांस तुम्हारा बाहर आ रहा है, बस उस चीज पे फोकस करना, तो तुम जल्दी थकोगे नहीं, ठीक है। कंट्रोल करना है तुमको हार्ट बीट के, अपने अपने हार्ट बीट पे फील करना, अपने सांसों पे अगर तुम फोकस किए रहोगे तो तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो तुम लंबा दौड़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तैयारी करने के लिए, तो सुबह सुबह तुम 4-4 किलोमीटर दौड़ो सुबह शाम, और बिल्कुल स्लो पेस में दौड़ो, जूता पहन के दौड़ो, कोई टेंशन नहीं है। वहां जाके बताया चॉकलेट और ग्लूकोज ये जरूर रखना हाथ में, और कभी भी हो सकता है तुम्हें दोपहर में दौड़ना पड़े, हो सकता है तुम्हें सुबह में दौड़ना पड़े, तो डिहाइड्रेट मत होना और जोश बरकरार रखना। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ।
जब मैं पहुंचा तो लगभग 12 बजे हमारी दौड़ने की लाइन लगी और मुझे दौड़ने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब जो उस समय आता है ना, जब आप दौड़ना स्टार्ट करोगे और आपने कभी प्रैक्टिस ज़्यादा की नहीं है, जब आप दौड़ना स्टार्ट करोगे तब वहाँ पे जब आप 20 या 30 मीटर दौड़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा अरे यार छोड़ो, अगली बार प्रैक्टिस करके आएंगे और दौड़ेंगे फिर से। वहाँ पे आपको हार नहीं मानना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं मतलब 20 या 30 मीटर दौड़ा, मुझे लगा अरे यार छोड़ो, सीजल में सिलेक्शन तो हो ही रहा है, क्या सीपीओ के चक्कर में पड़ना है, कर लेंगे सीजल वाला, छोड़ देते हैं इसको। तो उस समय एक वहाँ पे एसएसबी की टोर्नी में मेरा फिजिकल हुआ था, तो वहाँ पे एक एसएसबी का कांस्टेबल खड़ा था, उसने मुझे इतनी तेज से डांटा और इतना तेज चिल्ला के बोला, तो गालियाँ भी थी, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। और उस समय अंदर एक ऐसा सा जोश आया ना, वही जोश आपको अपने अंदर ले आना है। वो एक पॉइंट आएगा जब 20-30 मीटर आप स्टार्टिंग के दौड़ोगे ना, आपको लगेगा कि छोड़ो जाने दो, अगली बार करेंगे। वहाँ पर रुकना नहीं है, वहाँ पर स्टार्ट करना है, नाक से सांस लेना है, अपने सांस पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि कोई कितना तेज जा रहा है, कोई कितना स्लो जा रहा है, आपको अपने स्लो पेस में दौड़ते रहना है। लास्ट में जब लगे कि हाँ पहुंचने वाले हैं तो पूरी जान लगा देना है, ठीक है, और कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। 10 दिन बहुत होता है, 10 दिन तक सुबह 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 शाम दौड़ो और अपनी सांस बनाओ, हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।